जीवाणा में मनाया भाजपा का स्थापना दिवस। साइला उपखंड क्षेत्र के जीवाणा कस्बे में भाजपा मंडल जीवाणा की बैठक भाजपा महामंत्री पुखराज राजपुरोहित व जीवाणा मंडल प्रभारी रमेश सोनी पुनासा की मौजूदगी में आयोजित कर भाजपा का स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रभारी रमेश सोनी ने भाजपा की स्थापना से लेकर अब तक की पूरी जानकारी विस्तार से दी। इस दौरान वरिष्ठ भाजपा नेता मंगल सिंह हीराराम जाखड़ सहित ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम के अंत में भाजपा मंडल अध्यक्ष तुलसाराम ने सभी का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का मंच संचालन केवदाराम ने किया। इस दौरान खेत सिंह धवेचा, दयालाल राजपुरोहित, धन सिंह, फतेह सिंह, छगनलाल, पवनी मेघवाल, आसू सिंह, राजेंद्र सिंह, वीरमाराम, दरगाराम, चमनाराम, खूबाराम सहित मौजूद थे। इसी तरह भाजपा मंडल पोषाणा की मंडल स्तरीय बैठक गोगाजी मंदिर हरमू में प्रभारी भरत सिंह भोजाणी के मुख्य आतिथ्य में उदय सिंह परमार दादाल की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में प्रभारी भोजाणी ने भारतीय जनता पार्टी के इतिहास के बारे में जानकारी देते हुए स्थापना दिवस की बधाई दी एवं मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई एवं आम जनतक योजनाओं का लाभ देने का आह्वान किया। मंडल अध्यक्ष उदय सिंह परमार ने कार्यकर्ताओं के आगामी चुनाव में लगने एवं संगठन कार्य में लगने का आह्वान किया। इस अवसर पर स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में पक्षियों के परिंडे लगाए। कार्यक्रम का मंच संचालन हाजाराम देवासी ने किया। इस दौरान मनोहर सिंह तिलोड़ा, रघुनाथ सिंह राजपुरोहित, लालूदान, आईदान सिंह, मोहन प्रजापत, खीमाराम चौधरी, गिरधारी प्रजापत, हरीश राजपुरोहित, मदन सिंह, भगवान सिंह दादाल, हडमताराम चौधरी, राजाराम चौधरी, हरिदान, पूराराम प्रजापत, जनक सिंह, जौमताराम प्रजापत व लीलपुरी सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। थोड़ा होता है क्यों? क्योंकि हमारी सभी जगह बैठे और हम उस पार्टी का एक अंग है जो पूरे विश्व के अंदर अपना डंडा बजा रही है। नरेंद्र मोदी जैसा हमारा नेता है जिस देश को एक दिशा देने के लिए देश की आजादी के साथ ही हम लक्ष्य लेकर के चले थे, वो लक्ष्य आज हम पूरा होते देख रहे हैं। बहुत बड़ी लंबी संघर्ष यात्रा मंगल सिंह जी ने बताया, हमारे इस एरिए की बताया। ये छोटा सा एरिया था, इनको कितनी परेशानी उठानी थी उसमें कोई कार्यकर्ता नहीं थे। अब सोचिए जरा, देश के अंदर जब देश आजाद हुआ केवल एक पार्टी थी कांग्रेस। उस समय कांग्रेस की नीतियों का पता चल गया, उनके साथ में काम करने वाले राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के संचालक डॉक्टर हेडगेवार जी को पता चल गया कि भविष्य इस देश का नहीं, देश आजाद तो हो जाएगा लेकिन